सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। और अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जीवन की असली सफलता परिवार, दोस्तों और काम के बीच सही संतुलन रखना होता है। जो अपनेपन का शोर नहीं मचाते, अक्सर वही रिश्ते गहरे होते हैं। आज का पंचांग 7 सितंबर 2020 दिन सोमवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात्रि 9:39 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र सुबह 8:26 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:46 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:00 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। मेष राशि 7 सितंबर 2020 दिन सोमवार, आज आपकी किसी से कोई महत्वपूर्ण बातचीत होने के आसार हैं। करवाहट की स्थिति भी बन सकती है या असाधारण बातचीत भी हो सकती है, लेकिन यह जो भी हो इसे आपको सोचने के लिए काफी कुछ मिलेगा और आप पूरे दिन इसी में व्यस्त रहेंगी। आप आज कोई विकर्षण सहन नहीं करेंगी। आपको यह महसूस होगा कि इस घटना पर अधिक सोच कर कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरों की गलतियों को माफ करना आपके स्वभाव की मुख्य विशेषता है और यह विशेषता आपके लिए भाग्योदय कारक साबित होगी। कोई भी कार्य करने से पहले पूरी तरह उसके रूपरेखा बनाएं और उसके बाद ही अमल करें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका मन व्यापार की तरफ आकर्षित होगा। घर में शांति बनी रहेगी। परिवार का कोई सदस्य विदेश यात्रा कर सकता है। प्रॉपर्टी के बारे में विचार विमर्श शुरू होगा। परिचित व्यक्ति से प्रॉपर्टी से जुड़ा सौदा सफल रहेगा। विदेश में रहने वाले सदस्य मित्र की वार्ता मिलेगी। आज आप मिली हुई विरासत को और आगे बढ़ाने के विचार में मग्न होंगी। लड़की से जुड़े व्यवसाय एक्सपोर्ट व्यवसाय में प्रगति होगी। सावधानियां, व्यर्थ की यात्राओं की अधिकता रहेगी जिसकी वजह से समय बर्बाद होगा, साथ ही तनाव भी रहेगा। बच्चों पर अधिक रोक टोक करने की वजह से घर की व्यवस्था बिगड़ सकती है। व्यवहार में लचीलापन बनाकर रखें। लव लाइफ की बात करते हैं, पति पत्नी के बीच रोमांटिक वातावरण रहेगा, परंतु किसी विपरीत लिंग व्यक्ति का हस्तक्षेप संबंधों में कुछ दिक्कत उत्पन्न कर सकता है। आज का दिन पुरानी बातों को दफन करने का भी है, क्योंकि यथार्थवादी प्रभाव आपकी जिंदगी में आएंगे। नई शुरुआत सभी मोर्चों पर संकेत दे रही है। आप एक दूसरे को प्यार करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करेंगे या आप ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। आपको यह पहचान करने की जरूरत है कि कौन सी चीज आपको पीछे की तरफ ढकेल रही थी, ताकि आप उसे छोड़कर आगे की तरफ अपनी जिंदगी को ले जा सकें। करियर की बात करते हैं, आज आपको अपने खर्चों का ध्यान रखना होगा और उन पर पौनी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये छोटे छोटे खर्चे आगे जाकर विराट रूप धारण कर लेते हैं। हालांकि आपकी व्यक्तिगत जरूरतें कम हैं, पर फिर भी आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा ताकि भविष्य में धन की समस्या उत्पन्न ना हो। आपको कुछ अन्य कार्यों के बारे में भी सोचना चाहिए ताकि आपकी आय बढ़ सके। सेहत की बात करते हैं, आज आपकी सेहत बेहतरीन अवस्था में रहेगी। कोई वेलनेस संगीत सुने या अच्छी सेहत की इस फीलिंग को बनाए रखने के लिए घर पर ही अरोमा थेरेपी की योजना बनाएं। घर का कोई सदस्य छोटी मोटी
बीमारी से पीड़ित हो सकता है और आपको उसकी देखभाल करनी होगी। आज आपका मानसिक तनाव भी कम रहेगा। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।